नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्म हो रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा के जरिए देश की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुड़े हुए हैं। इस कड़ी में नीतीश ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार ही नहीं बल्कि उससे कई आगे की सियासत थी। विपक्षी एकजुटता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार मंगलवार को गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मिले। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल के एक अलग कमरे में एक घंटे की इस मुलाकात के बाद जब दोनों नेता साथ साथ बाहर निकले तो इस दौरान नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में देश में बनने वाले महागठबंधन को लीड करेंगे। इस पर अखिलेश की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन नीतीश ने सूबे के लिए एक बड़ा सियासी संकट दे दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष के सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। सूबे में सपा फिलहाल मुख्य विपक्षी पार्टी भी है, लेकिन नीतीश कुमार ने यूपी में विपक्षी एकता का चेहरा अखिलेश को बनाकर फिलहाल बसपा के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। हालांकि बसपा प्रमुख यानी कि मायावती भी 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता के लिए कवायद में दिलचस्पी नहीं दिखा रही और ना ही अपने पत्ते खोल रही। ऐसे में स्वाभाविक है कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी ताना बाना बुना जा रहा है उसमें उनके लिए स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। आपको बता दें अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दो बड़े चेहरे हैं जिनके दम पर सपा गैर यादव ओवैसी के बीच अपनी राजनीति में जगह बना सकती है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार भी सपा गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो ओवैसी के बीच बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति में एक नई पहल शुरू हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल यादव ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि अब वो सपा के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहते और ना ही अब वो कोई भी चुनाव सपा के साथ लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या अब शिवपाल यादव हमें भारतीय जनता पार्टी का दामन खामते हुए नजर आएंगे या फिर अपनी पार्टी को ही साथ लेकर वो अकेले लड़ेंगे। फिलहाल देखने वाली बात ही होगी, लेकिन फिलहाल की इस खबर पर इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ।